ओम शांति। आज 26 जनवरी 2023 बाप दादा की अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। बाबा कहे, मन की एकाग्रता ही एकरस स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। एकाग्रता अर्थात मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर लो, मन वश में हो। तो ये हैं अव्यक्त इशारे, जिसमें बाबा ने इशारा दिलाया मन की जो शक्ति है वो एकाग्र, मन जो है एकाग्रता की शक्ति पर, एकरस स्थिति पर निर्भर है। माना एकाग्रता की शक्ति द्वारा हम एकरस स्थिति में स्थित होकर अपनी किसी भी स्थितियों में, जैसे विदेही स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, बिंदु रूप स्थिति है, परम धाम में या सूक्ष्मतन में, कहीं पर भी अपनी किसी भी स्थिति में स्थित होकर सहज अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते कि एकाग्र मन, स्थिर मन, मालिकपन की स्थिति द्वारा, शक्ति द्वारा सर्व बातों से, सर्व आई हुई परिस्थितियों से निर्विघ्न बना देता है। और एकाग्र मन से हम कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, किसी भी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, अपने मन को वश में कर सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति और एकरस स्थिति द्वारा सुनते हैं बाबा के साकार के चले मधुर महावाक्य सार में मुख्य कुछ पॉइंट्स। आज सद्गुरुवार है। सद्गुरुवार की सब ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत बधाई हो। और सद्गुरु बाबा जी हम वरदानों की माला पहनेंगे, मन चाहा वरदान लेंगे, कैसे, अपनी स्थिति में स्थित होकर। तो आज सारी वाणी भी उसी अर्थ है, सुनते हैं। आज शांति का सागर, ज्ञान का सागर, सुप्रीम सर्जन, सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान पिता, कालों का काल, महाकाल, हम रूहों का रूहानी अविनाशी पिता, सुप्रीम रूहानी सोशल वर्कर, लिबरेटर गाइड, पतित पावन, सर्व आत्माओं का सच्चा सच्चा सतगुरु, सतगति दाता, पवित्र सतयुगी, दैवी राजस्थान स्थापित करने वाला, सैक्रीन के महासागर, कखपन से लखपन, लखपन पद्मापति सौभाग्यशाली बनाने वाले, पूरी सृष्टि के रचयिता, परम पिता परमात्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप, पवित्रता के सागर, हम रूहानी ब्राह्मण रूहों को अमृत वेले का महत्व बताते हुए कहते हैं। मेरे मीठे बच्चे, दिन की आदि बेला अमृत वेले के इस पहर में, इस बेला में शांत शुद्ध वायुमंडल में, माना प्रकृति भी शांत, आप भी शांत स्वरूप स्थिति, जो देह के वैभव, पदार्थ संबंध, देह की दुनिया से न्यारी प्यारी, आत्मिक स्मृति की स्थिति, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ बस अपने को समझें। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग टाइनी लिटिल स्टार सोल, ज्योति बिंदु, अखंड महाज्योति बिंदु के सानिध्य में, उनके समक्ष, उनके और अपने पीस ऑफ लैंड परम धाम में बैठ, शांति सागर के तले में जाकर बैठ जाओ। एकाग्रता की शक्ति, एक रस स्थिति, एकांत और एक का अंत, और एक ही शुद्ध संकल्प, मैं शांति के सागर की संतान,
शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस एकाग्रता से परम धाम में बैठ खुद क्षण, फिर धीरे धीरे जितना समय चाहे जब चाहे समय बढ़ाते जाएं। आज बाबा कहते अमृत वेले इसी अभ्यास में बैठना है और बाबा को याद करना है। ओम शांति। मुरली के पहले प्रश्नों में बाबा कहे सर्वशक्तिवान बाप की ताकत, बाबा कहे और बच्चों का इस संगम पर अच्छे से अच्छा कर्म उन बच्चों को प्राप्त होता जो निश्चय बुद्धि हैं, माना तन मन धन से बाप पर बलिहार जाते, अर्पण होते, बुद्धि से स्वाहा होते, तो ये नेक कर्म बच्चों को बच्चे करते तो बाबा भी रिटर्न में बच्चों को बच्चों की आत्मा में योग बल से इतनी ताकत भर देते कि फिर बच्चे 21 जन्म अपना अटल अखंड सुख शांति का राज्य स्थापित करते और पूरे विश्व के मालिक बनकर राज्य भाग प्राप्त करते। फिर बाबा अपने दूसरे प्रश्न द्वारा बच्चों को कहते बाप आकर जो तुम बच्चों को रूहानी सेवा सिखलाते वो और कोई भी मनुष्य देहधारी सिखला ना सके। सर्व आत्माओं को जो विकारों की व्यसनों की बीमारी लगी पड़ी है, बाबा कहते रूहानी सोशल वर्कर बन ज्ञान के इंजेक्शन द्वारा विकारों से मनुष्यों को छुड़ाने की रूहानी सेवा तुम बच्चे ही करते हो। और बाबा कहते ये आकर मैं ही सिखाता हूँ, कोई मनुष्य या देहधारी ये ज्ञान का इंजेक्शन सिखला न सके। बाबा कहते बुझी हुई आत्मा की ज्योत ज्ञान कृत डाल कर फिर जगाते हो। दुनिया में तो मनुष्य जिस्मानी सेवा करते, माना जिस्मानी समाज सेवा करते, आत्माओं की रूहानी सेवा तो कर न सके। ओम शांति। फिर मुरली में बाबा कहे ये सब भगवान उवाच है, माना ये अविनाशी ज्ञान अविनाशी निराकार आत्माओं का पिता ही दे सकते हैं। विनाशी शरीर का विनाशी पिता तो सबका अलग अलग है, मनुष्य तो भगवान हो ना सके। मनुष्य रहते सृष्टि पर, स्थूल सृष्टि पर, और मनुष्य आत्माओं का परम पिता परमात्मा निराकार रहते परम धाम में, फिर वहाँ से आकर सबको देही अभिमानी बनाते, देह भान से छुटाते। बाबा कहे आत्मा परमात्मा तो अविनाशी है, जिसका आदि मध्य अंत नहीं। इस स्थूल सृष्टि पर सभी आत्माएं दुखी हैं, पाप आत्माएं बन पड़ी हैं अपनी व्यसनों और विकारों की वजह से। बाबा कहे स्वर्ग में फिर दुखी जैसी शब्दों का कोई नाम निशान होता नहीं। स्वर्ग की पावन पुण्य आत्माएं ही फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन पड़ती हैं, माना जो पूज्य स्वरूप थी वही फिर पुजारी बन पड़ती, भक्ति करती, नमन करती। बाबा कहे पतित आत्माएं ही बैठकर फिर पावन आत्माओं को नमन करती, पूजन करती। बाबा कहते ये सब बातें हैं ज्ञान की और ये है नया ज्ञान। अब बाबा ही आकर फरमान निकालते, उठते बैठते उस निराकार शिव परमात्मा को याद करो, मैं कालों का काल महाकाल आए फिर तुम्हें मालिक पूज्य बनाता हूँ पुजारी से। ज्ञान मार्ग में नमा कह भक्ति करने की अब दरकार नहीं। बाबा आकर हमें देही अभिमानी बनाते और देह भान जो भक्ति मार्ग है उससे छुटाकर ज्ञान मार्ग में ले आते। पूरी सृष्टि का रचयिता सर्व समर्थ ज्योति बिंदु स्वरूप जो है उनकी महिमा अनंत है। बाबा कहते मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में प्रवेश कर ओबीडियंट रूहानी सर्वेंट बन हम बच्चों को भी रूहानी सोशल वर्क सिखाते। बाबा कहते सुप्रीम सर्जन ज्ञान का सागर आए, ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर विकारों की बीमारी जो आत्मा में लगी है, 5 विकारों की बड़ी बीमारी बाबा आकर दूर करते। माया के परछावे से जो धुंधकारी बुद्धि हो गई है उस बुद्धि को दिव्य और श्रेष्ठ बनाते। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता, सो विरले ही फिर भगवान को पहचानते हैं।
ना पहचानने कारण भगवान को सर्वव्यापी कह देते। कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिकर सब में भगवान है। बाबा कहते ऐसा मनुष्य कह देते। फिर बाबा कहे इस समय तो सारे मनुष्य ही विकारों से ग्रस्त पापी बन पड़े हैं, उनकी कोई महिमा नहीं है। तो जानवरों माना कुत्ते बिल्ली में परमात्मा भगवान है तो उनकी क्या महिमा होगी। फिर बाबा कहते श्री कृष्ण जयंती शिव जयंती को मिला दिया, माना दोनों लेकिन अलग अलग हैं। श्री कृष्ण तो सकारी सृष्टि का सकारी दिव्य मनुष्य चोले में देवता है। फिर शिव निराकार तो परमपिता परमात्मा निराकारी दुनिया परम धाम का मालिक भगवान है, पुनर्जन्म से रहित है, पतित पावन है, एवर प्योर है, ब्रह्मा द्वारा नई देवी राजधानी राजस्थान स्थापित करने वाले। यह गोहे गोहे राज बाबा आकर बैठ बताते। बाबा कहते अभी तो सबका ये अंतिम जन्म है, भक्ति मार्ग का खेल खलास होना है, सो पास्ट इज पास्ट। अभी तो बाबा लिबरेटर गाइड पिता के साथ वापिस घर जाने का समय है, क्योंकि ये सृष्टि नाटक का 5000 वर्ष का ड्रामा पूरा होता है। बाप फिर 5000 वर्ष कल्प पहले मुआफिक दैवी दुनिया की स्थापना करते। अभी तो कितना खुशी का पारा हम ब्राह्मण आत्माओं को चढ़ना चाहिए कि इस कलियुगी दुख की दुनिया से हमारा अब लंगर उठ चुका है और हम बाबा के साथ वापस घर जाते हैं। बाबा समझाते मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं, माना कोई ड्रामा के चक्र में ही ना आवे, निर्वाण धाम घर ही बैठा रहे और कोई ड्रामा में जन्म मरण में आते आए और पाठ बचाए दुख भोगे। बाबा कहते मैं तो सर्व का सदगति दाता सुख दाता बाप हूँ, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, माना किसी आत्मा को मोक्ष देकर ऊपर परमधाम घर में ही बिठा कर रखूँ और किसी आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में ड्रामा के पाठ बजाने की खातिर सुख दुख का एहसास कराऊँ। बाबा कहते मैं तो सर्व का सुख दाता पिता हूँ। जैसे लौकिक पिता भी एक को दुखी करते दुख देवे और एक को सुख देवे तो सहन नहीं होगा ना, तो ऐसे ही पारलौकिक परमपिता परमात्मा भी सहन नहीं करते। अब बाबा स्वर्ग की सीन सीनरियां हमसे वर्णन करते, तो चलेंगे स्वर्ग की सैर करने। बाबा कहे स्वर्ग की खूबसूरती पांचों तत्व सत्व प्रधान पावन होते तो वहाँ के देवी देवताओं की काया भी एकदम कशिश करती, कंचन काया होने से सबकी नेचुरल ब्यूटी होती, सब देवी देवताएं कशिश करती, तभी तो श्री कृष्ण में इतनी कशिश है पवित्रता के कारण। बाबा कहते है ही वो स्वर्ग सत्युग तो है ही पवित्र प्रवर्ती मार्ग, सुख शांति का अटल अखंड पवित्र राजस्थान, जहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण और श्री सीता और श्री राम का पवित्र प्रवर्ती मार्ग था। बाबा कहते वो है ही जीवन मुक्ति धाम, जहाँ पावन देवी देवताएं रहते हैं। अभी तो है ही पतित असुरी विकारी व्यसनी करप्टेड दुनिया, कोई में ईश्वरीय ताकत है नहीं। अभी मुख्य है ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा ते ऊंचा, जो बाबा ही आकर रचते हैं। फिर सभी ब्राह्मण आत्माएं ऊंच ते ऊंच कर्म कर अपना सब कुछ ही बाबा के अर्पण कर ब्राह्मण से देवता बनते। बाबा कहे ये सब है नई नई बातें जिनका वर्णन ज्ञान का शास्त्र आदि में है नहीं। शास्त्र बने हैं द्वापर से और वो भी देहधारियों द्वारा, और ये नया ज्ञान परमात्मा स्वयं आते अपनी बायोग्राफी बच्चों को बताते। अब बाबा कहे बहुत भारी मंजिल है, भारी आमदनी है ब्राह्मण से देवी देवता धर्म में जाने लिए, उच्च पद प्राप्त करने लिए, पुरुषार्थ करने लिए। बाबा आकर सहज युक्ति बताते हैं उसके लिए, जिन्हें धारणा नहीं हो सकती, जो डिटेल में नहीं समझ सकते, तो बाबा कहते ज्ञान के राज को वो सिर्फ पवित्र बन पावन दुनिया में जाने के लिए, बाबा कहते सिर्फ बाबा सिखा रहे हैं हम ब्राह्मण बच्चों को कि कैसे बाबा को याद करना है और कैसे बाबा की महिमा करनी है। बाबा कहते आप
ऐसे याद करते बैठना है, कहना है, हे मेरे बाबा, कहते मेरे मीठे मीठे बच्चे, शिव बाबा को और बरसे को याद करते रहो, और ऐसे महिमा करनी है बाबा की, बाबा आप तो बहुत बहुत मीठे हो, आपकी तो कमाल है। बाबा कहते ऐसे ईश्वरीय लॉटरी लेने अर्थ चलते चलते, फिर बाबा कहते ईश्वरीय लॉटरी लेने अर्थ ज्ञान और योग की तीखी रेस व मेहनत करनी है, सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है, जबरदस्त सतयोगी प्राइस लेने के लिए, माना स्वर्ग की राज्य भाग लेने के लिए। फिर बाबा कहते कि ऐसे ऐसे बाप को बहुत मीठा मीठापन और वर्षे को शिव बाबा को याद करना है। सुनते हैं याद माना योग अर्थ पॉइंट। बाबा कहते अमृत वेले के शांत शुद्ध निर्विकारी पवित्र वायुमंडल में देह सहित देह के सभी वैभव पदार्थ देह की दुनिया संबंध भूलकर सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को याद करते बैठना है। उस समय की याद बहुत पवित्र और सत्व प्रधान होती है, अवस्था भी अच्छी जमती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे याद करना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वरीय अर्थ अर्थ बाबा व वर्षे को ईश्वरीय लॉटरी लेने अर्थ भगवान को बाबा को और वर्षे को याद करना है। धारणा अर्थ पॉइंट, अच्छे कर्म करते बैठना है बाबा के ऊपर, जो संगम योगी बाबा आए हैं हमें संगम युग पर अपना राजयोग की शिक्षा द्वारा। तो बाबा कहते अच्छे कर्म करने अर्थ बाप की ताकत प्राप्त करनी है तो तन मन धन सब कुछ बाप हवाले अर्पण करना है। उसकी रिटर्न में बाबा फिर हमें ताकत देते, माना आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना देते, आत्मा अटल अखंड सुख शांति का राज्य भाग फिर स्थापित कर राज्य भाग की अधिकारी बनती। बाबा कहते अब वापस घर जाना है, बहुत बहुत खुशी में रहना है और खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि हम बाबा के साथ अब अपने वापस स्वीट होम में जाते हैं। बाबा कहते अंतिम जन्म है ये, सो जो हुआ सो हुआ, पास्ट सो पास्ट। इस अंतिम जन्म में पवित्रता के सागर की पवित्र बन पवित्रता से बहुत बहुत मदद करनी है, अपना तन मन धन स्वाहा कर भारत को स्वर्ग बनाना की धारणा करनी है। फिर बाबा सेवा अर्थ पॉइंट सुनाते हैं, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सोशल वर्कर बनकर रूहानी सेवा करनी है। मनुष्य आत्माओं में जो पांच विकारों की कड़ी बीमारी लगी है उन्हें बाबा ही आकर ज्ञान इंजेक्शन, ज्ञान सागर बाबा ही आकर ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं। ज्ञान इंजेक्शन बाबा के अलावा किसी के पास है नहीं। तो बाप आकर आत्माओं से कहते कि हे आत्माएं, जो तुम जागतिक ज्योति थी फिर जो माया ने परछाया डाला उसको बाबा आकर धुंधकारी बुद्धि से फिर शुद्ध बुद्धि दिव्य बुद्धि बनाते हैं। तो बाबा कहते जैसे मैं आकर ये सेवा करता हूँ आप सब बच्चों को भी वो सेवा रूहानी सोशल वर्कर बनकर करनी है। आज प्यारे बाबा सतकती दाता का वरदान हम ब्राह्मण बच्चों प्रति, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा कहे, बाप दादा कहते हैं बच्चे सभी चोपड़े अब साफ देखना चाहते हैं। जो भी पुराना खाता है, माना बॉडी कॉन्शियसनेस, जितने भी पुराने संबंध देह देह की दुनिया अर्थ हमारे पुराने स्वभाव संस्कार आसुरी स्वभाव सब समाप्त करने हैं। वो बाह्य मुक्ता का खाता और संकल्प सब समाप्त करने हैं। बाबा कहते हैं बिल्कुल भी अंश मात्र रूप भी नहीं रहना चाहिए, आत्मा सर्वबंधन मुक्त होकर योग युक्त होकर रहे और अंतर्मुखी आत्मा बनकर बाबा को याद करे और बाबा का नाम बाला करे। बाबा कहते ऐसी रूहानी सेवा करनी है और सब आत्माओं को बाबा का बनाकर प्रसन्न चित्त बनाना है, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी होकर रहना है। स्लोगन है अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प
बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूरत बनना है। अब अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प माना, संकल्प हो श्रेष्ठ, बोल हो मधुर, संबंध हो सुख देने वाले, और संपर्क संपर्क कैसे हो, संपर्क में अलौकिकता हो और दिव्यता हो, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। और सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं ही सफलता मूर्त आत्माएं बनती हैं। सुनते हैं मधुबन घर से अपना आया हुआ होमवर्क। आज 26 जनवरी सोमवार लेंगे, मैं विकर्माचीत आत्मा हूँ। चिंतन करेंगे सर विकारों पर विजय प्राप्त करने की विधि क्या है, विकर्माचीत आत्मा की निशानियाँ क्या होंगी, और अनुभव करेंगे योगाभ्यास में मैं आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र हूँ। मैं परमात्मा पिता की मदद से इन विकारों रूपी सर्पों पर विजय प्राप्त कर रही हूँ। अब मैं इनके ऊपर खुशी की डांस करती हूँ, जिससे संसार में खुशी की लहर फैल रही है। जब हम आत्माएं बीज रूप स्थिति में या अपनी विदेही स्थिति में या फरिश्ता रूप स्थिति में स्थित होती हैं, तो हमारे जो प्रकंपन है पूरी सृष्टि में फैलते हैं। अगर आत्मा खुशी में स्थित होगी तो हमारे प्रकंपन खुशी के पूरे संसार में फैलकर खुशी की लहर फैलाएंगे और सेवा करेंगे। आज का टूल है अमृत वेले, आज नहीं हर समय, रोज के अमृत वेले 2:00 से 4:45 तक जो बाबा ने समय मुकरर किया हुआ है, उस समय को सफल कर अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित होकर जब भी समय लगेगा इन अभ्यास का अभ्यास करेंगे और अपने अंतर मन का अटल अचल अखंड राज्य स्थापित करेंगे। माना सभी हलचलों से परे बाप और आप, बस ये आज का टूल है। और इस अभ्यास को सुबह अमृत वेले रोज ही करेंगे। तो आज चलते चलते 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सब ब्राह्मण आत्माओं को और विश्व की सभी आत्माओं को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन संविधान स्थापित हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये 74th गणतंत्र दिवस आज सारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो आपको उस दिन संविधान लागू हुआ था हमारे भारतवर्ष में, तो संविधान लागू होने की और गणतंत्र दिवस की आप सब आत्माओं को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति।